इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवर्नेंस क्या है और गवर्नेंस क्यों इंपॉर्टेंट है और गुड गवर्नेंस की क्वालिटीज़ क्या होती हैं और इंडियन इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं गुड गवर्नेंस के लिए। देखते हैं गवर्नेंस की पहले डिफिनीशन क्या है गवर्नेंस, और ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाई विच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड एंड नॉट ओके इम्प्लीमेंटेड। सो गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस एक प्रोसेस है ऑफ डिसीजन मेकिंग जिसके थ्रू डिसीजंस इंप्लीमेंट किए जाते हैं या डिसीजंस को नहीं इंप्लीमेंट किया जाता है। डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड और डिसीजंस आर नॉट इंप्लीमेंटेड, बोथ कम अंडर द एम्बिट ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। गवर्नेंस कैन बी यूज इन सेवरल कॉन्टेक्स्ट सच एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस, नेशनल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस। ओके, गवर्नेंस एक डिसीजन मेकिंग पावर है जिसमें डिसीजंस को इंप्लीमेंट किया जाता है या डिसीजंस को नहीं इंप्लीमेंट किया जाता है। गवर्नेंस एक डिसीजन मेकिंग पावर है। गवर्नेंस का यूज किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस, नेशनल गवर्नेंस एंड लोकल गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। गुड गवर्नेंस क्या है? गुड गवर्नेंस इज एन अप्रोच टू गवर्नमेंट दैट इज कमिटेड टू क्रिएटिंग अ सिस्टम फाउंडेड इन जस्टिस एंड पीस दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स ह्यूमन राइट एंड सिविल लिबर्टीज। ओके, गुड गवर्नेंस क्या है? गुड गवर्नेंस एक अप्रोच है जो गवर्नमेंट कमिटेड होती है जिसमें क्रिएटिंग अ सिस्टम फाउंडेड इन जस्टिस एंड पीस दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स ह्यूमन राइट एंड सिविल लिबर्टीज। गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जिसमें किसी डिसीजन को इंप्लीमेंट करना होता है या नहीं इंप्लीमेंट करना होता है। गुड गवर्नेंस क्या है? गुड गवर्नेंस एक ऐसा अप्रोच है जिसमें गवर्नमेंट कमिटेड होती है क्रिएट करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बेस्ड ऑन जस्टिस एंड पीस दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स ह्यूमन राइट एंड सिविल लिबर्टीज। ओके, अब देखते हैं 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है एज आइडेंटिफाइड बाय यूनाइटेड नेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मेंस में आप यूज कर सकते हैं किसी भी आंसर में जो रिलेटेड है गवर्नेंस से। सो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस एज आइडेंटिफाइड बाय द यूनाइटेड नेशन। गुड गवर्नेंस अकाउंटेबल, गवर्नेंस अकाउंटेबल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव होनी चाहिए, इफेक्टिव एंड एफिशियंस होनी चाहिए, फॉलोज द रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेटरी एंड कॉन्सेंसस oriented. So these are the 8 characteristics of good governance. Governance should be accountable, transparent, responsive, equitable and inclusive, effective and efficient, follows the rule of law, participatory and consensus oriented. So these are the 8 characteristics of good governance as identified by the United Nations. Good governance should be accountable, transparent, responsive, equitable and inclusive, effective and efficient, follows the rule of law, participatory and consensus oriented. अब देखते हैं इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, ये भी देख लेते हैं। इंडियन इनिशिएटिव्स फॉर गुड गवर्नेंस, सबसे पहले कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया जाता है। क्या है गुड गवर्नेंस इंडेक्स? गुड गवर्नेंस इंडेक्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ गवर्नेंस इन द कंट्री। गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ गवर्नेंस इन द कंट्री। गुड गवर्नेंस इंडेक्स एसेसेस द इंपैक्ट ऑफ वेरियस इंटरवेंशंस टेकन अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड इनिशिएटिव क्या है? गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 25th दिसंबर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, सो गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25th दिसंबर को टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। एंड गुड गवर्नेंस डे ऑल्सो एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट अमंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो गुड गवर्नेंस डे, सो दीज आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाई इंडिया टू प्रमोट गुड गवर्नेंस इन द कंट्री। सो गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है और इसका एम क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट अमंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और कुछ इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान हैज द विजन टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल टू कॉमन मैन इन हिज लोकेलिटी थ्रू कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स टू एंश्योर एफिशियंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सच सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू रियलाइज द बेसिक नीड्स ऑफ कॉमन मैन। सो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का विजन क्या है? टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल टू कॉमन मैन इन हिज लोकेलिटी थ्रू कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स एंड इंश्योर एफिशियंसी, ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी ऑफ सच सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू रियलाइज द बेसिक नीड्स ऑफ कॉमन मैन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005, RTI एक्ट ऑफ 2005 ऑल्सो प्लेज एन इफेक्टिव रोल इन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस। सेटिंग अप ऑफ नीति आयोग, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, लोकपाल और ऑल्सो द
स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ गुड गवर्नेंस. ओके, और आपको याद रखना है गवर्नेंस क्या है. गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन विच द डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड आर नॉट इंप्लीमेंटेड. और गुड गवर्नेंस क्या है. गुड गवर्नेंस एक ऐसा अप्रोच है जिसमें गवर्नमेंट कमिटेड होती है टू क्रिएट अ सच अ सिस्टम बेस्ड ऑन जस्टिस एंड पीस दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स ह्यूमन राइट एंड सिविल लिबर्टीज. और हमने डिस्कस किया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा गुड गवर्नेंस के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स को. वो क्या थे. गुड गवर्नेंस शुड बी अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, फॉलोज द रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेटरी, कॉन्सेंसस ओरिएंटेड. थैंक यू.